हमारी थोड़ी सी रिविजन भी हो जाएगी, लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट भी डिस्कस हो जाएंगे, थोड़ी सी नैप भी बनेगी। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टोटली रिप्लेसमेंट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्विस, ठीक है। अगर हम इसकी स्टैटिस्टिकली इसको देखें तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। बहुत ही रेयर इंसिडेंसेज हैं कि अगर इसकी इसको परफॉर्म करते हुए कुछ खास ख्याल ना रखा जाए या जो गोल्स हैं वो अचीव ना किए जाएं तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसका गोल क्या है? सिंगल लाइनर गोल ये है टू रिस्टोर द मैकेनिकल एक्सेस, ठीक है। हिप में गोल क्या था? पेन रिलीफ। इसमें पेन रिलीफ करना गोल नहीं, हमें मैकेनिकल अलाइनमेंट को रिस्टोर करना, मैकेनिकल अलाइनमेंट। नंबर टू, हमने जॉइंट लाइन, अभी इसके मिनी साथ इसके साथ अटैच है, जॉइंट लाइन को रिस्टोर कर दें और अगर पैटेलर फेमोरल डायनामिक्स को भी रिस्टोर करें। ये साथ इसके साथ बोलते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जी आपके मैकेनिकल अलाइनमेंट। अच्छा, मैकेनिकल अलाइनमेंट समझने से पहले हम नी के स्टेप्स करेंगे कि हम कैसे कैसे उसको करते हैं और थोड़ी सी नैट भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल नैट भी देखें तो जो फीमर होती है इसका हेड ऑब्वियसली यहाँ पे है और बेस यहाँ पे है। इसमें दो तरह के एक्सेस है, ठीक है, एक एनाटॉमिकल एक्सेस है और एक मैकेनिकल एक्सेस। दोनों में 6 degrees का फर्क है। यस सर, वांट टू ड्रॉ द ड्रा, हमारा टाइम शॉर्ट है। जब हम नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें वो कहते हैं कि जी आप 6 degrees और इसलिए कहते हैं कि हमने जो परपेंडिकुलर रखना है वो इसके परपेंडिकुलर रखना है, मैकेनिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है। बात समझे? हम इसके परपेंडिकुलर नहीं रखते, दैट इज व्हाई इट इज 6 degree वेलस। अगर पेशेंट शॉर्ट स्ट्रेचर्ड है तो ये वेलस एंगल बढ़ जाता है, अगर टॉल है तो ये वेलस एंगल कम हो जाता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 6 degrees एंगल जो कि आपको जहन में रखना है। ये करने के बाद आप उससे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं एपिकेंडाइल, ट्रांस एपिकेंडाइलर एक्सेस, ये जो एंट्रोपोस्टियर से बाइसेप लेंथ भी कहते हैं, ठीक है, तो हमें इसके इनकी जंक्शन को देखना होता है और एक पोस्टियर आपके कंडाइलर एक्सेस, तो ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये तकरीबन पॉइंट बनता है जो कि लाइन होता है शैफ्ट के साथ, ठीक है। तो जब हम फेमिनल प्रिपरेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको वेलस डिग्री पे कट करते हैं, अब आगे आते हैं। उससे अगला जो जरूरी स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने जो है ना वो या तो टिबियल प्रिपरेशन पहले करनी है या फीमर को ही आगे लेके जाना है। जब हम फीमर को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं तो चलो बेस्ट स्टार्ट है फीमर को आगे ले जा रहे हैं, तो हम अगला स्टेप ये होता है कि वो हमें जो जिग देते हैं वो 3 degree एक्सटर्नल रोटेटेड पड़ी होती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे, यानी कि आप जिग को अगर देखें तो वो सब ज़्यादा नहीं है, जस्ट 3 degree ऐसे होता है। yes. ये 3 degree क्यों एक्सटर्नल रोटेटेड रखते हैं? हमने 6 degree एंगल वेलस को तो बता दिया, ये हम इसे रखते हैं कि जो वर्जिन टिबिया है, वर्जिन टिबिया ये
वर्जिन ट्रिविया मींस के अनकट ट्रिविया ये इनहेरेंटली 3 डिग्री वेरस में होता है ठीक है। इस वेरस को कंपनसेट करने के लिए हमने जब उसके कट्स किए शैम्फर कट्स हमने करने जब लगा के तो वो हम 3 डिग्री स्टैंडर्ड रोटेट करें तो मुख्य सिस्टम है नॉर्मली अगर आप देखो तो वो थोड़े से ऊपर नीचे उसके स्क्रूज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं ठीक है। आप शैम्फर कट्स कर लेते हैं आपका शैम्फर कट हो गया ठीक है आपको ये भी समझ आ गया कि हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड रोटेट क्यों रखते हैं। नॉर्मली फीमर के अंदर हम इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट लेते हैं अब देखो दैट इज़ अ वेरी आप कह लो कि मॉक सी स्टेटमेंट है कि हम फीमर में ले रहे हैं एनाटॉमिकल अलाइनमेंट और कट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल तो एनाटॉमिकल एक्सिस के अलाउंड उसकी इंट्रामेडुलरी डॉट जारी होती है और कट जो रहा होता है वो मैकेनिकल एक्सिस के अराउंड होता है हमने परपेंडिकुलर किसके रहना है मैकेनिकल के यहाँ तक क्लियर होगी बस। टिबिया जो है वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है अनट्रेलस के उसके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो कि वो यू नो रोटेटेड हुई है मैल इनैंडेड हुई है उस सूरत में आपने सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस निकालना होगा बट फॉर और अदर पर्पसेस आप जहन में रखें कि उसका एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस सेम है और सेम होने की वजह से उसके जो कट्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे उसके दोनों एक्सिस के साथ। इसमें मुख्य सिस्टम्स में कुछ 3 डिग्री का टिल्ट होता है ठीक है स्पेशली स्लोप होती है तो वो कुछ सिस्टम्स में नहीं भी होती बट इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि जो देयर शुड बी अ स्लोप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री सो दैट कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेहतर तरीके से हों। इससे हम आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये बड़ा पक्का पेट क्वेश्चन है तला लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से नी रिप्लेसमेंट की कितनी टाइप्स है तो जो लीस्ट कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट का मतलब है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी पड़ रही हैं तो जो लीस्ट कंस्ट्रेंट है वो है यूनिकंडल एक तरफ का कंडाइल सिर्फ चेंज करते हैं और बाकी नॉर्मली उसके चीज़ें रिटेन रखते हैं ठीक है। यूनिकंडल का अगला बड़ा पेट एमसीक्यू उसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्टेशन और कॉन्ट्रडिक्टेशन उसकी इंडिकेशन क्या है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है लेकिन एक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन उनमें ऑब्वियसली क्या इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो पेशेंट का वेरियस डिग्री ज़्यादा हो ओवर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो इस सारी चीज कॉन्ट्राडिक्शन हो लेकिन अगर उसके ए सी एल नहीं है ना इफ ए सी एल इज डेफिशेंट तो यूनिकंडल नहीं करना बेशक बाकी सारी चीज़ें उसकी नेगेटिव हैं बट वो आपको इसी तरह लेके आए उसमें चलेगा कि पेशेंट है उसका सारे क्राइटेरिया वो पूरा करेगा नीचे जैसा कि उसका पहले ट्रॉमा हो गया ए सी एल में किया तो ए सी एल खत्म होना इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूनिकंडल उससे अगला कंस्ट्रेंट लेवल पे आ जाए तो फिर क्रूशियल टूटेंगे ठीक है। तो ये भी हम कहीं लिख देते हैं लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये नियमित कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है कि आपका लीस्ट कंस्ट्रेंट जो है वो यूनिकंडल फिर क्रूशियल टूटेंगे है फिर पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड है क्रूशियल ट्रेनिंग और स्टेबलाइज में क्या फर्क है क्रूशियल ट्रेन में ऑब्वियसली आप पोस्टीरियर क्रूशिएट को रिटेन रखते हैं उसको रिटेन रखने से कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान जितनी भी स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि रिजल्ट्स कंपैरेटिव होता है रोल बैक फेमरल रोल बैक पोस्टीरियर स्टेबलाइज में ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है। क्रूशियल ट्रेनिंग में क्या होता है कि क्योंकि उसके वो पोस्टीरियरली जो है ना अटैच होता है उसके मैकेनिकल रिसेप्टर्स तो काम कर रहे होते हैं प्रोप्रिओसेप्शन अच्छी हो जाती है इवन एक्सट्रीम्स ऑफ फ्लेक्शन भी आप ले लेते हैं लेकिन उसमें एक्सेसिव वेयर होता है ठीक है। तो दैट इज वाई लॉन्ग टर्म स्टडीज में पीएसएस प्रेफर्ड तो यूनिकंडल क्रूशियल रिटेनिंग सिस्टम स्टेबलाइजेशन सेम उसको कह सकते हैं आप सेमी कंस्ट्रेंट लॉन्ग हिंज जो तो उसमें पोस्ट लंबी हो जाती है ठीक है और अल्टीमेटली हिंज हिंज जो है ट्यूमर है ठीक है बिल्कुल रिसेक्शन करनी पड़ गई सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी जो हो गई है सॉफ्ट टिश्यू जब थोड़ा सा पड़ेंगे बैलेंसिंग में वो हो गया तो वो फिर आपको तो ये आपका लेवल ऑफ स्टेट आपको लाजमी आना चाहिए और आपको उनकी इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस फेमोरल रोल बैक क्या है इफेक्टिव क्या मैकेनिज्म स्लाइडिंग इसमें हो रही है नहीं हो रही क्रूशियल ट्रेनिंग में स्लाइडिंग हो रही है यस कोशिश से वैसे प्रॉपर इफेक्टिव फेमोरल रोल बैक ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में क्लियर रखनी है
ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जब हम डिस्टेंस कट कर रहे होते हैं तो साथ ही उस जेल में एक नंबर श्योर होता है, एंगल तो हमने बता दिया जब 6 डिग्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हमारा वो एक साथ मिलीमीटर्स में एक और नोट होता है कितना कटेगा। यस ठीक है, तो हर सिस्टम फर्क है, बट नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिगेन करें छोटे कट से, मिनिमम कट से, तो 10 mm, 11 mm, 13 mm, जो भी आप डिजाइन पर स्टार्ट विद द लोएस्ट कट, स्टार्ट विद द लोएस्ट कट। तो हमने 11 mm पे साल दिया कि हमने डिस्टल फीमर को 11 mm काट दिया। ओके, अब वो 11 mm हमें कंपनसेट करने ही करना, उससे कम नहीं करना या उतना या उससे ज्यादा करना, मोटेसी कॉमन सेंस की बात। सिमिलरली जब आप टिबिया का कट कर रहे हैं तो वो जो आपने आप उसमें स्लॉटेड और नॉन स्लॉटेड का कॉन्सेप्ट है कि अगर जीन वेरा में एक साइड से बिल्कुल वेयर ऑफ हुई है, ठीक है, आप उसमें देखते हैं वहां पे मिनिमम कट होगा, जहां पे ऑलरेडी वेयर हो गई वहां पे कट मिनिमम, जहां पे वो अनटच्ड है या ठीक है वहां कट होगा। तो वो कट की नॉर्मली अगर 2 और 10 mm है कुछ कुछ सिस्टम्स में, 2 और 8 mm है कुछ सिस्टम्स में, 2 और 9 mm, मतलब इन शॉर्ट ये कि जो अफेक्टेड साइड है वो कम कटेगी और जो नॉन फिट साइड है वो ज्यादा कटेगी। मकसद क्या है कि आपका जो एनाटॉमिकल मैकेनिकल एक्सिस है पैरेलल हो जाए। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ यहां तक मुश्किल कुछ सवाल है? ओके, अच्छा हमने लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दी, हमने किसी हद तक फीमर का कंसेप्ट बता दिया, किसी हद तक आपको बता दिया। अब जो अगला बात है वो ये कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ टीकेआर जो कुछ हमने डिस्कस किए कि एक तो रिस्टोर करना मैकेनिकल अलाइनमेंट, फिर हमने रिस्टोर करनी है जॉइंट लाइन, फिर हमने जो है ना उसको यू नो नॉर्मली इतना अच्छा नहीं होता कि आपको एक नॉर्मल नहीं ऑपरेट कर रहे हो, तो ख़राब नहीं होता है उसमें या वेरस डिफॉर्मिटी होगी या वेलगस डिफॉर्मिटी होगी। नी के लिए जीनू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो या जीनू बेटा में या जीनू वेलगम में, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है डिफॉर्मिटी का लेवल भी बढ़ता जाता है। एडवांस केसेस में वेरस थर्स्ट आ जाती है, ठीक है, यानी कि जीनू वेरम तो है ही है, वेरस थर्स्ट भी आ गई कि आपके इतने ज़्यादा लिगमेंट स्ट्रेच हो गए ऑपोजिट साइड से कि वो एटीनोवेट हो गए, वीक हो गए, तो वो टोटल उनका एक साइड कॉन्ट्रैक्टेड हो गई, एक साइड लूज हो गई। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीनू वेल उसमें भी हेलिक्स वेलिक्स भी एक स्ट्रक्चर एटीनोवेट हो गए, दूसरे स्ट्रक्चर टाइट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो मकसद क्या है, हमने हमेशा पहले भी बात किया था, हर चीज सिमेट्री बनाएंगे, वी हैव टू मेक इट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल करने के लिए हमने जो एक साइड है कॉन्ट्रैक्टेड उसको रिलीज करना है, जो साइड लॉन्ग है एटीनेट हो रहा है उसको बैलेंस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, नंबर वन। दूसरा जो एंट्रोपोस्टीरियर है फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, आपको समझ आनी चाहिए कि कौन कौन से नी के स्ट्रक्चर हैं किस लेयर्स पे और हमने किस तरह से उनको हटाना है। दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट वी ट्राई कि उसको शांत करके आपको समझाएं। नॉर्मली जो इनकाउंटर्ड नी है वो जीनू वेरम होता है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सपोज कि हम जीनू वेरम करेक्ट कर रहे हैं। जीनू वेरम का क्या मतलब है कि उसकी जो ये साइड है ना मीडियल है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये टाइट हो गई, ये लूज हो गई। अब मीडियल साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तीन लेयर्स हैं, तीन लेयर्स से ऊपर जाएंगे, सबसे नीचे कौन सा लेयर है, कैप्सूल, ठीक है, इससे साइनोवियल मीन जॉइंट मॉडिफाइड डिवेलप और जॉइंट, तो सबसे पहले तो इसमें साइनोवियल, साइनोवियल के बाद हम आगे जाते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, मीडियल पैटेलर डीप पार्ट, मीडियल लैटरल, डीप मीडियल लैटरल लिगमेंट के दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेनिस्कस, मेनिस्कस फेमोरल है, मेनिस्कस से फेमर में जा रहा है और एक मेनिस्कस टिबियल। डीप मीडियल लैटरल लिगमेंट नॉर्मली बेचारा इतना मसला नहीं उसका होता, उसको अगर रिलीज करना पड़े बायकास्टिंग कंप्लीट के दूर है, पोस्टीरियर कैप्सूल है, ठीक है। इससे आप ऊपर आगे आ जाएं तो सबसे अहम स्ट्रक्चर जो बीच की लेयर में है वो कौन सा है, सुपरफिशियल मीडियल लैटरल लिगमेंट। सुपरफिशियल मीडियल लैटरल लिगमेंट
अब मूवी तौर पे समझ जाता है बिल्कुल इधर लगा हुआ है, ये ऐसे नहीं है। देखो डीप का तो स्ट्रक्चर ऐसे है ना, मेनिस्को फ्रैमरल मेनिस्को टिबियल, जो सुपरफिशियल है वो थोड़ा सा ऐसे रहता पड़ा, वो नीचे आके लगा होता है जॉइंट लाइन से अप्रॉक्सीमेटली यू नो 15 mm 12 mm नीचे होगा। तो इसलिए कोई टेंशन आप इसको आपने रिटेन रखना ही रखना है, मोटी बात मतलब कुछ भी हो जाए ये स्ट्रक्चर आपका मेजर स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर है, इसको नहीं छेड़ना, इससे ऊपर आ जाते हैं उसी लेयर में आपका रेटिना कुछ भी ला रहा है और मीडियल पेडल फैमिली लिगमेंट ले रहा है, ठीक है। उससे ऊपर चले जाएं तो फिर मसल्स आ गए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ऑब्वियसली आपको पता है पेसिस राइनस लगे हैं साइड पे, ठीक है। उसके बाद सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस की ही टेंडनस एक्सटेंशन है ऑब्लिक पोस्टीरियर लिगमेंट, ठीक है। उसी की टेंडनस एक्सपेंशन है जो पोस्टीरियर कैप्सूल को बैलेंस कर रही है, ठीक है। सार्टोरियस है, ये सुपरफिशियल लेयर्स है सार्टोरियस सेमी मेम्ब्रेनोस पे, बीच की लेयर्स में आ जाते हैं जिसमें आपके ये मीडियल पेडल फ्यूमरल है, आपका रेटिनाकुल है, सुपरफिशियल मेडिकुलेटर है, डीप लेयर्स में आपने डीप मेडिकुलेटर कैप्सूल है, ठीक है। तो जब आप ये स्ट्रक्चर रिलीज कर रहे होते हैं वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स, क्या आप सबसे पहले ऑस्टियोफाइट्स है रिमूव कर दो, कैप्सूल है थोड़ा सा रिलीज कर दो, पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको थोड़ा सा स्लाइड करके नाइफ का जो एंगल है दूसरी तरफ का, क्योंकि जस्ट मिलीमीटर से भी आपकी पॉपिटियल है, ठीक है। इस तरफ करके आप उसको रिलीज कर दो, डीप मीडियल लैटरल को आप पाई वॉश कर दो, कोई टेंशन नहीं। और नॉर्मली ये जो लोग कराने आते हैं ना उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एनाटॉमी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मेनिस्कस को रिमूव कर दो, ये सारे स्ट्रक्चर आप जो टाइट है ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपने स्ट्रक्चर को, जो भी हो जाए आपने सुपरफिशियल मल्टीपल लिगमेंट को बचाया और एंड पे वो पेरिओस्टियम से आप थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं मसल्स को भी कैप्चर करता है। अगर मीडियल कोलैटरल लिगमेंट सुपरफिशियल कंपोनेंट कट गया तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी डेवलपमेंट स्टेट्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इतना जरूरी बात है कि जब आप नॉर्मली ये अब प्रैक्टिकल बात है कि आपने प्लान किया हुआ है कि कोई मसला ही नहीं तो हमें पड़ेगी हमें तो हमने आज कुछ चीज स्टेबलाइज करना है, अगर ये कट गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, उसको आप जितना मर्जी रिपेयर कर लें वोंट हील बिकॉज उसकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो फिर क्या होगा, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उससे हायर लॉन्ग पोस्ट पे सेमी कंस्ट्रेट पे या हिंज पे, और वो होता ही नहीं बैकअप, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है कोई साइड की रॉकेट साइंस, अगर है तो मैं मिस कर रहा हूँ बताओ, नहीं सर, ठीक है। बेटा अब नॉर्मली कह लो कि अप्रॉक्सीमेटली वन मोर टॉपिक फॉर योर डिस्कशन है इसके जो डिफॉर्मिटी है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो जीनू वेरम है या जीनू वेलगम है, ज्यादा तो जीनू वेरम होती है बट देयर आर फ्यू पेशेंट जिनमें जीनू वेलगम होती है। जीनू वेलगम क्या है, इसको ही आप मिरर इमेज कर दो, यानी कि आपका जो मीडियल स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा, लैट जो लैटरल स्ट्रक्चर है वो टाइट हो जाए। और हमने ऐसे पेशेंट ऑपरेट किए हुए हैं, ये सेम पेशेंट की जिनमें ये साइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ये साइड लूज है, ऐसे ही है ना। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने इस साइड पे आ जाते हैं, इसमें भी तीन ही लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर्स को नीचे से ऊपर आ जाओ, ऊपर से नीचे आ जाओ एक ही बात है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डीपर स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद द कैप्सूल इज पॉपलीटियस, पॉपलीटियस अनलॉक्स द नी, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड पे लगा होता है, मतलब मीडियल साइड पे लगा होता है, सिर्फ रोटेटर किस तरफ आ रहा है। इसका जो टेंडन होता है वो मेनिस्कस के बिल्कुल करीब होता है, ठीक है। और दिस इज द प्राइमरी स्टेबलाइजर इन नी फ्लेक्शन। अगर आपका नी टाइट हो रहा हो फ्लेक्शन में तो किसी हद तक आप ऑपरेटियस को रिलीज कर सकते हैं पोस्टीरियर, इसके टेंडन को फिर भी नहीं कट करेंगे, यस बात समझ आती है। अगर आपका नी टाइट है फ्लेक्शन में तो वो, अभी हम आगे जाएंगे और उसको मजीद पढ़ेंगे। बहरहाल डीप स्ट्रक्चर्स में आपका मैं पॉपुलेशन बता दिया, फिर पॉपुलेटियस का ही एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके टेंडन से जाके फिबुलर हेड पे लग रहा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पॉपुलेटियोफिबुलर लिगामेंट। तो बस सारे डीप स्ट्रक्चर उससे आगे आ जाते हैं, वही लेयर बीच वाली लैटरल लैटरल पैरेटल लिगमेंट जो है वो टिबिया पे नहीं लगा, फिबुला के हेड पे लगा, यहाँ से जा रहा है फिबुला के हेड पे लगा, और ये भी जॉइंट लाइन से नीचे होता है, ठीक है, इट इज बिलो द जॉइंट,
lateral event को भी it is the primary restraints again against वायरस वायरस तो इसको बचाना बहुत ही अहम ठीक है। इससे ऊपर चले जाते हैं उसमें लैटरल पैटेलो जो पैटेलो लैटिना कोलर पैटेलो फेमोरल लैटरल पैटेलो फेमोरल लिगमेंट ये उसकी लेयर्स में ये है। फिर इससे ऊपर चले जाते हैं तो उस साइड पे क्या पड़ा जी एलिटेबल बैंड और बाइसेप फेमोरल बाइसेप If the knee is tight in extension, then tight extension, well, देख सकते हैं ना ITV band और वो ITV band में fan out करके नीचे लगा होता है। कुछ हिस्सा JT tubercle पे लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है वो tibial के tie पे लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है वो even fibula पे लगा हुआ है, fan out। तो जब आपके knee tight आ रहे हैं तो इन structures को आपने करना है। कोशिश ये करनी है जैसे वहाँ पे हमने superficial को बचाया था, यहाँ पे हमने यहाँ तक बात क्लियर होगी। दोनों सूरतों में जब आपने एक सिमेट्रिकल गैप ले लिया, वो सिमेट्रिकल गैप क्या है कि जब हम कट्स कर लेते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को बैलेंस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि जी वो बिल्कुल सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ट्रायंगल, इट शुड नॉट बी ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या होता है कि एक साइड ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और रेक्टेंगुलर क्या है, दिस इज रेक्टेंगुलर। It should be rectangular, not trapezoid. Yes, sir. Facilitate the part. जैसे facilitate को कह रहा था, sorry यार, आपके लिए तो समझ आ रही बात? It should be rectangular. ठीक है, trapezoid नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपने extension क्या clear कर दिया? Flexion का क्या मतलब है? जब आप flex करें, तो it should be completely flexed. उसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका अब देखो simple सा concept है। फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको आसान समझाने की, ठीक है? अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी बात है तो हम फिलहाल को रेफर कर देंगे। अगर तो नी जो है एक उसमें एक गैप ठीक है, दूसरा खराब है, यानी हम देखते हैं एक्सटेंशन ठीक है, फ्लेक्शन खराब है, एसिमेट्रिकल गैप या अदरवाइज अदर वे अराउंड, एक गैप सही है दूसरा खराब है, तो फिर हमने एड्रेस किसको करना है? फीमर को, छोटी सी बात। और अगर दोनों ही खराब है, दोनों ही सही है, सिंपल इस तरह। एक बात क्लियर हो गई। अगली बात, अगर कोई चीज टाइट है तो इसका क्या मतलब है? या तो उसका कट ठीक आपको मजीद रिसेट करनी पड़ेगी, छोटी सी बात है, मुश्किल तो नहीं है। और अगर कोई चीज लूज है तो आपने साइज अपन करना है या ऑगमेंट करना है, बाकी जो मर्जी सिनेरियो तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर तुम्हें मिसाल के तौर पर अब एक सिनेरियो आता है कि एक आपने नहीं कर लिया, बड़ा अच्छा है, और मल्टीपल एमसीक्यूज इसमें आते हैं। अब जो नी है इट इज टाइट इन एक्सटेंशन बट फ्लेक्शन इज गुड, नीचे चार ऑप्शंस लिखे होंगे, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? ऑप्शंस को तो चलिए छोड़ें, आप क्या करेंगे? आपको मैंने बता दिया फीमर को एड्रेस करेंगे, फीमर को कौन सा करते हैं? एक्सटेंशन में टाइट है, डिस्टर्ब एक्सेल और डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? देखो पहले आप, मैं तो कुछ एक्सेल सर वो इसी तरह। अगला क्वेश्चन ठीक है हम कर लेते हैं, चलो शाजिद से कि आपका आपने नहीं कर लिया, सारा कुछ जबरदस्त डाल दिया, अब आपने आपका फ्लेक्शन भी टाइट आ रहा है, एक्सटेंशन भी, दोनों ही टाइट आ गए, ठीक है? अब क्या करेंगे आप? टिबिया का कट रिवाइज कर देंगे, वो जो हमने स्लॉट्स लगे होते हैं ना 2mm 4mm, ठीक है 8mm, वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एज आपके पास जो है वो पॉलीथाइलीन इंसर्ट कंप्लीट, तो ऑब्वियसली आप उसको भी चेंज करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑगमेंट्स होते हैं ना, वो मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने साइज बड़ा करना है, आप पीछे ऑगमेंट लगा दें, ठीक है? डिस्टल का इशू है, आप आगे ऑगमेंट लगा दें। ये ऑगमेंट्स मिलते हैं एंड वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे, तो कोशिश यही करें कि होमवर्क देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए होमवर्क होता है कि आप नी को पहले देखें, पेशेंट को उसको एग्जामिन करें, उसके सारे स्ट्रक्चर्स देखें, उसकी स्टेबिलिटी चेक करें, उसको चार्ट करें, उसका एक्सरसाइज देखें, उसको एंगल्स निकालें और होमवर्क के साथ जाएं कि ये मेरा प्लान है। ऐसे नहीं कि भाई इधर बैठे एक ने कहा नहीं सर ऐला लाल, इस तरह नहीं होता, ओके? तो कोई गुंजाइश नहीं होती, आपने नहीं कहा होमवर्क पूरा करके जाना, बात क्लियर हो गई, ठीक है? तो नॉर्मली जब आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन गैप सिमेट्रिकल आ जाते हैं, आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, फिर हम पैटेलो फेमोरल पे जाते हैं। नॉर्मली पैटेलो फेमोरल की जो जितनी लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि पैटेलो प्लास्टी करें आप, पैटेलो प्लास्टी
यानी कि जो पटेला के ऊपर ऑस्टियोफाइट्स है वो निबल कर दें, उसको स्मूथ कर दें, और किसी हद तक अगर नर्व कंट्रोल करना चाहते हैं उसको एबिलेट कर दें विद द हेल्प ऑफ कॉर्डलिंग, बट विद वेरी केयरफुल कि आप क्वाड्रिसेप्स को ना काट दें। ठीक है, ये पटेलोप्लास्टी है। पटेलर रीसर्फेसिंग क्या है कि आपने पटेला के कुछ हिस्से को रिसेट कर दिया जो खराब था, उसमें मिनिमम पटेला की 14 mm हाइट आपने रखनी, मतलब उसकी रखनी रखनी नंबर वन। नंबर टू के आपने जो कंप्रेंट लगाना है शुड बी मिडिल आइज, दूसरे जब आप फेमरल कंप्रेंट लगा रहे हैं शुड बी लैटरल आइज टू हैव अ बेस्ट पॉसिबल ट्रैकिंग, बट फॉर पटेला शुड बी मिडिल आइज ताकि वो अच्छा एक पटेला ट्रैकिंग बन जाए, क्यू एंगल क्यू एंगल उसका मेंटेन हो जाए। अब इस पर जो क्वेश्चन आते हैं अगले क्यू एंगल से वो ये कि जी आपको वो कह देते हैं कि जी आपका जो कंपोनेंट है वो इंटरनली रोटेटेड है तो क्या होगा, ठीक है उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, उसमें एक्सटर्नल रोटेट हो गई आपका पिवट वेलोसिटी उसकी वजह से क्यू एंगल्स बढ़ गया, ऑब्वियसली पेशेंट के डायनामिक्स पैरामीटर के खराब हो जाएंगे। इसमें कुछ और जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि किस टाइप का वेयर हो रहा है, किस टाइप का वियर हो रहा है इन द पॉलीथायलिन लाइन, तो वो आपका कौन सा टाइप का वियर हो रहा है, फिटी सब लैमिनर लेवल के ऊपर वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा ख्याल है कि नी के अंदर से आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोनेक्रोसिस की कॉज के नॉर्मली मीडियल पैराफेटल फ्लोर से आप जाते हैं, आपकी कोशिश होती है लैटरल साइड में क्योंकि एक तरफ की आर्टरी आप ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड की आप कम अज़ कम ना करें, तो आप उस तरफ करेक्टना को आप ना खोलें। इवन विद जीनू वेलकम यानी कि डिफॉर्मिटीज ऑन द लैटरल साइड भी है सीन है, ये प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेटेड कि मीडियल पैराफेरल अप्रोच इज इफेक्टिव, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, और जीनू वेलकम को जीनू वेलकम से भी कवर होता है, तो आपको नॉर्मली ये नहीं है कि पहले अगर ये हुआ कि आपने ये खोल लिया अगर आपने कहा नहीं वो भी हो गया तो पहला भी क्या होगा और भी चीज़ें होगी। दूसरा और कुछ अप्रोचेज हैं जिसमें सब मास्टर्स या साउदर्न अप्रोच कहलाती है, कुछ ऐसे मैन्यूवर्स हैं क्वाड्रिसेप्स स्निप्स हैं, ठीक है बी वाई क्वाड्रिसेप्लास्टीज हैं, ये सारे रिविजन्स में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। आपने ऐसे पेशेंट्स प्रैक्टिकली भी देखे हैं कि पेशेंट बहुत यू नो उसके कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और मामला आता है, उस सूरत में हमें दूसरे अप्रोचेज पर जाना पड़ता है। बाकी आप जहन में रखें कि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई और कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो व्हेन यू इंक्रीज द साइज ऑफ फेमोरल कंपोनेंट द इंट्रापोस्टीरियर डायमीटर रिमेन द सेम इन ऑल, जब देखें नॉर्मली इफेक्ट तो होता है जब आपने यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो इंट्रापोस्टीरियर भी तो फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए आपके ऑगमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखें ये इतना इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी नी रिप्लेसमेंट को स्केड्यूल करते हैं प्लान करते हैं तो जिस सिस्टम में मर्जी आप हो एक्स वाई जेड ए बी सी जो मर्जी आप उस सिस्टम से फेमिलियर हो, नंबर वन आप उस सिस्टम के चीज़ें उनसे मंगवाएं और जब भी प्लान करें आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं गैप हुआ, जैसे भी अब सीन नॉर्मली मुश्किल जब आप केस करते सीधे केसेस में इस तरह से प्रॉब्लम आती नहीं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे सीनियर सर्जन जब मुश्किल केस करते नहीं इसीलिए हमें टेंशन हुई सीधा सीधा केस करो रिलैक्स, जब आप मुश्किल केस पकड़ते हैं फिर प्रॉब्लम होती है कि आपको हर तरह से अपना बैकअप रखना चाहिए, स्पेशली जो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आपको टिबिया का आपका ख़राब हुआ होता है, आपको ऑगमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, आपको लॉन्ग स्टेम्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क जो है उस पर आ जाते हैं। आज का होमवर्क ये है कि आप जो टोटल नी रिप्लेसमेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो शाजिद हमें बताएगा, इसको डे काउंट कर लो कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनको कैसे एड्रेस करना है। और तलहा का होमवर्क हम ये दे देते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल चार्ट बना के फ्रैक्शन एक्सटेंशन एंट्रोपोस्टीरियर गैप विद ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस, मिलर्स में भी पढ़ा हुआ है वो, और भी बुक्स में पढ़ा हुआ है, कुछ बुक्स मैंने आपको दी है, हर जगह भी लिखे हैं, सो वो आपने बनाना है और बताना है हर सिनेरियो को मिक्स करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जी हम अगर साइज नीचे ला रहे हैं तो क्या मतलब, बेसिकली वी विल कट मोर, साइज नीचे ला तो कट मोर विल इंसर्ट द ऑगमेंट, हाँ समझ गए, तो वो हर सिनेरियो उसमें क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उसके लिए शायद मुश्किल होगा बट आपने इतने नहीं करा दिए कि आपको ज़रूरी है ये समझना। फिर ऑब्वियसली ये जो पोस्टरोलैटरल कॉम्प्लेक्स ये कॉर्नर है ये वही है जो हमने स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनमें
कॉमन पेरोनियल नर्व भी बीच में से गुजरी है लेयर टू और थ्री के दरमियान, तो वो एटरिस्क हो सकती है अगर आप उस तरह के रिलीजेस करें, ठीक है, या खाली स्ट्रेच ही उसको मतलब हो जाए वेलगस में आप वापस ला रहे हैं तो स्ट्रेच से भी वो फैक्ट हो जाती है, ठीक है। पोस्ट्रोमीडियल कॉम्प्लेक्स जो है जो कॉर्नर है उसमें मैंने आपको बता दिया कि सेमी मेम्ब्रेनस का वो जो ऑब्लिक्स एलिमेंट है आपका मेनिस्कस है, ये सारे कंपोनेंट उस तरफ से हैं। अच्छा और कोई चीज़ अगर रह गई तो मिस हो गई तो बता दो, बता आई थिंक आई कवर्ड ऑल बेसिक्स। डिजाइन और वर्जन में इंग्लिश में बताइए।